दोस्तों, आपने जिंजर यानी अदरक कभी ना कभी तो खाया ही होगा, खाने में डालकर या फिर अपनी सुबह की चाय में। अदरक के बिना चाय में वो मजा नहीं रहता। अदरक सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि अदरक की खेती कैसे होती है? अदरक की खेती में कितना समय लगता है? नहीं ना? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अदरक की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, अदरक को उगाने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे वेदर और सॉइल पर खास ध्यान देना पड़ता है। अदरक को उगाने के लिए गर्मियों का मौसम और हल्की फुल्की बारिश चाहिए होती है, जिसकी मदद से अदरक आराम से उग जाए। उसी के साथ साथ अगर चिकनी मिट्टी हो या फिर लाल मिट्टी हो तो अदरक अच्छे से उगती है। अदरक को उगाने से पहले अच्छे से उस खेत की खुदाई की जाती है, जिससे कि सॉइल अच्छी रहे। उसके साथ अगर कहीं डिजीज होने की संभावना होती है तो उस जगह को किसी पॉलिथीन की शीट से ढक दिया जाता है और 40 दिनों के लिए धूप में ही छोड़ दिया जाता है। प्लांटिंग ऑफ जिंजर। अदरक को उगाने से पहले उस खेत पर नीम का पाउडर डाला जाता है, जिसको फिट मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। अदरक के बीज को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। हर एक पीस की लंबाई करीब 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है और एक बीज का वजन 20 से 25 किलो का होता है। हर बीज का रेट अलग अलग होता है, जैसे कि जो बीज केरला में पाए जाते हैं उनका दाम 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हालांकि कुछ जगहों पर इसका रेट ज्यादा भी होता है। इन बीजों को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। उसके बाद इस पर खाद डाल दी जाती है ताकि अदरक अच्छे से उगे। दोस्तों, अदरक के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कॉमन जिंजर। इसको इंडियन जिंजर या फिर चाइनीज जिंजर के नाम से भी जाना जाता है। ये अदरक का ऐसा प्रकार है जो कि बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि सूप और करी आदि। नॉर्थ अमेरिका में इसका इस्तेमाल टॉफी में किया जाता है। यह सर्दी खांसी को ठीक करने में भी काम आता है। दूसरी प्रकार है गलनगल। ये थोड़ा अलग प्रकार का अदरक है और इसका टेस्ट भी बाकियों से अलग है, और उसको धंधा बेचा जाता है या फिर अचार के तौर पर भी बेचा जाता है। इसकी अगली प्रकार है टर्मरिक। इसको हल्दी के नाम से भी जाना जाता है और ये अदरक के एक प्रकार से ही बनता है। और आपको ये अच्छे से पता है कि हल्दी का उपयोग कहाँ और कितना किया जाता है। ये खाने को अच्छा भी बनाता है और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। केयर ऑफ जिंजर प्लांट। अदरक को उगाने के लिए उसको एकदम मॉइस्ट जगह पर रखना पड़ता है। अच्छी अदरक की खेती के लिए मिट्टी को हमेशा गीला रखना पड़ता है, पर साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि मिट्टी ज्यादा गीली ना हो। ऐसे में अदरक की फसलों में दिक्कत भी आ सकती है। जब भी मिट्टी सूख जाती है तो उसको और ज्यादा पानी दिया जाता है। ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मिट्टी सूख ना जाए, वरना बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अदरक के खेतों में हरे पत्तों की मदद से मल्चिंग की जाती है। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ज्यादा पानी बचा रहे और जगह गीली रहे। हार्वेस्टिंग एंड मैच्योरिटी। अदरक की फसल 8 से 10 महीनों में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। जब अदरक मैच्योर हो जाता है, यानी जब अच्छे से उग जाता है, तो वो थोड़ा सा पीले रंग का हो जाता है। और उसकी टहनियां सूखने लगती हैं। जो हरे अदरक होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उन्हें वापस पानी में डाल दिया जाता है ताकि उसकी स्किन निकल जाए। उस हरे रंग की स्किन एक धारदार बैंबू से निकाली जाती है, जिसके बाद उसको धोया जाता है और फिर 3 से 4 दिन के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसको दोबारा से पानी में 2 घंटे के लिए रखा जाता है और फिर से सुखाया जाता है और हाथों से
घिसा जाता है। इसको अच्छे से करना पड़ता है, अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो उसमें दिक्कत आ सकती है। हरे अदरक करीब 6 से 10 टन पर एकड़ पाए जाते हैं। इनकी रिकवरी रेट करीब 16 से 25 प्रतिशत होती है। पैकेजिंग, अदरक के उगने के बाद ये कोशिश की जाती है कि उनको बोरियों में पैक न किया जाए, इससे वह बहुत से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और वह खराब भी हो सकते हैं, और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो उनको बोरियों की जगह एयर टाइट कंटेनर में भी रखा जाता है या फिर हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स, तो दोस्तों हमने अदरक के बारे में जान लिया कि उसे कैसे उगाया जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। चलिए अब अदरक के थोड़े फायदों के बारे में जान लेते हैं। नंबर एक, अदरक आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें जिंजरोल होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आपको खांसी जुकाम हो तो अदरक वाली चाय जरूर पिए। अदरक आपको डायबिटीज जैसी समस्याओं से लड़ने में भी मदद करती है। ऐसा देखा गया है कि जिंजर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि शरीर में इंसुलिन और मेटाबॉलिज्म की मात्रा कम करता है। इन सब के साथ साथ अदरक आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि अदरक ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है और उसी के साथ शरीर में लिपिड्स की मात्रा कम करता है। तो दोस्तों अदरक के बहुत से फायदे हैं, शायद अभी और भी फायदे हों जिसके बारे में आपको ना पता हो। अदरक को आप बहुत सी चीजों में डालकर भी खाया पी सकते हो क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, जिससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा और आपको ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो कि शरीर के लिए जरूरी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।